कोटा में चंबल नदी के किनारे इन दिनों पैंथर, भालू और अन्य वन्य जीवों की साइटिंग हो रही है। सर्द मौसम में विचरण के लिए वन्य जीव चंबल किनारे पहुंच रहे हैं। चंबल किनारे के नजारे पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक तरफ कोटा का चंबल रिवर फ्रंट और दूसरी तरफ अपस्ट्रीम में वन्य जीवों की साइटिंग कोटा के पैटर्न में चार चांद लगा रही है। कोटा बैरा से गरड़िया महादेव, जवाहर सागर डैम और भैंसरोड गढ़ तक बोटिंग के जरिए पर्यटक ये नजारे देख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आदिल सैफ और वाइल्ड लाइफ रिसर्चर उर्वशी शर्मा के मुताबिक कोटा की चंबल वैली में 50 से अधिक पैंथर हैं, जिनका मूवमेंट चंबल नदी की कराइयों में देखा जा सकता है। चंबल वैली में इन दिनों पैंथर की साइटिंग दिन के समय भी हो रही है। गुनगुनी धूप सेंकते पैंथर दिखाई दे रहे हैं, जो टूरिस्ट को रोमांच से भर देते हैं। मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व में ये चंबल वैली है। कोटा बैराज से जवाहर सागर डैम तक और जवाहर सागर अपस्ट्रीम से भैंसरोडगढ़ तक दोनों किनारों पर पैंथर, भालू, ऊद बिलाव, वल्चर सहित कई प्रजातियों के पक्षी और वन्य जीव दिखाई देते हैं। इस चंबल वैली में जो टूरिस्ट एक बार आ जाता है, वो बार बार इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखना पसंद करता है। यहाँ कल कल करती चंबल नदी पक्षियों का कलरव सुनाई देता है, तो पैंथर की दहाड़ भी सुनाई दे जाती है। जवाहर सागर के किनारे टाइगर रिजर्व में टाइगर की भी साइटिंग की संभावनाएं रहती हैं। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।